सो ही एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, जैसा कि हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे आप अपने सीन में मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लैंडस्केप को डेकोरेट कर सकते हैं। मीन्स कैसे आप डिफरेंट ट्रीज को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप रॉक्स को ऐड कर सकते हैं, कार, पीपल, एनिमल, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आपको अगर किसी भी पीपल को मूव करते हुए दिखाना है, किसी कार को आपको एनिमेट करना है, तो वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मैं अपने मॉडल को यहाँ पे ओपन कर चुकी हूँ, सेम मॉडल पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको लैंडस्केप को डेकोरेट करना है या फिर कोई भी अदर चेंजेस आपको करने हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्ड मोड के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप का कुछ पैनल मिलता है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, जिसके अंदर आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें इंपोर्ट न्यू मॉडल एंड इंपोर्टेड मॉडल, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे आपको इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करना है। बट लूमियन की जो लाइब्रेरी है उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको नेचर के अंदर वर्क करना है, आपको किसी ट्री को प्लेस करना है या आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर से सेलेक्ट करेंगे। इसी की तरह फाइन डिटेल नेचर है, पीपल एंड एनिमल्स है, इनडोर आउटडोर, एंड इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड लाइट। तो आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आप प्लेस करना चाहते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो साइड वाला ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपको इंपोर्ट के ऑप्शन पे, या हम बोल सकते हैं कि प्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एंड आप यहाँ से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, तो उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेचर पे सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे नेचर की लाइब्रेरी देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे सब कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे आपको ब्रॉड लीफ के अंदर वर्क करना है, कॉनिफर्स आपको मिल जाते हैं, पाम ट्रीज हैं, यहाँ पे लीफलेस ट्री है, इसी तरीके से प्लांट्स हैं, फ्लावर, ग्रासेस एंड अदर ऑप्शंस। तो आप यहाँ से सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पोर्शन के अंदर किसी प्लांट को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी ब्रॉड लीफ का, एंड यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिल जाते हैं। आप डिफरेंट पेजेस पे चेक कर सकते हैं। तो जो भी प्लांट के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, जिसे आप प्लेस करना चाहते हैं, सिंपली आपको करना इतना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस प्लांट को यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं इसे प्लेस करना चाहती हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देन प्लेस करने का तरीका आपका सेम रहेगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। डिफरेंट अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो आप इसी के थ्रू कर सकते हैं, एंड अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे, तो सिंपली आपको क्या करना है, अदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे, वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो आप सिंपली इस तरीके से इसे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट के आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे अभी हम सिंगल प्लेसमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम वन वन करके यहाँ पे ट्रीज़ को या प्लांट को या अदर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे मास प्लेसमेंट आपके पास मिल जाता है, क्लस्टर प्लेसमेंट आपके पास मिल जाता है, और इसी के साथ आपको पेंट प्लेसमेंट मिल जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मास प्लेसमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल, इस लेन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, स्ट्रीट लाइट्स को ऐड करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आउटडोर की कैटेगरी पे सिलेक्ट करूँगी, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइटिंग के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग लाइट्स मिल जाती हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी स्ट्रीट लाइट। आप किसी भी लाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 007 इसे मैंने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ से मैंने जो प्लेसमेंट का ऑप्शन है उसमें मैंने मास प्लेसमेंट को सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट लाइट विजिबल होगी। तो कहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, एंड देन सेकेंडली आपको क्या करना है, पाथ को ऐड करना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें आगे मूव करूँगी शिफ्ट एंड एरो की हेल्प से। जैसे मुझे यहाँ तक प्लेस करना है स्ट्रीट लाइट को, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट्स मिल जाएंगी, आपको कंप्लीट पाथ के अंदर, जैसे एक लाइट यहाँ पे ऐड है, एक यहाँ है, एंड इसी तरीके से बाकी की लाइट्स ऐड है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे 5 लाइट अभी ऐड है यहाँ पे, अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 9 लाइट्स को प्लेस करना है, तो मैं इस तरीके से करूँगी। थोड़ा सा गैप मुझे कम लग रहा है इसके बीच में, तो मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दूँगी इसे, 6 इनफ है, इतना रखेंगे हम इसमें। बाकी आपको इसमें सेकंड ऑप्शन डायरेक्शन का मिल जाता है, तो थोड़ा सा हम इस पर क्लोज जाएंगे, एंड अभी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, मुझे थोड़ा सा इसे रोटेट करना है, तो अराउंड 90 डिग्री मैं यहाँ पे रखूँगी,
से इतना इनफ है, इतना हम रखेंगे। बाकी अगर आपको रेंडम इसके अंदर प्लेस करना है डायरेक्शन को तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी सभी के डायरेक्शन इक्वल है, बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेराइटी देना चाहते हो, थोड़ा वेरिएशन ऐड करना चाहते हो, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिंग के अंदर क्रिएट करना है रेंडमाइजेशन को, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो किसी दो स्ट्रेट लाइट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, किसी के बीच में ज़्यादा होगा, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कितना आप करना चाहते हैं। बाकी ऑफसेट है अगर लाइन से, लास्ट ऑप्शन आपके पास, तो जहाँ से हमने पाथ को ऐड किया था उस लाइन से आपको कितना ऑफसेट देना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको वर्क कर लेना है। बाकी एक ऑप्शन आपके पास ऐड का होता है, जैसे इसी प्लांट के ट्रीज के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कंफर्म किया एंड मैं बिल्ड मोड पे वापस से मैंने शिफ्ट किया। सेकेंड आपको क्या करना है, मास प्लेसमेंट पे ही हम चूज़ कर रहे हैं, बट इस केस में मैं यहाँ पे फाइन डिटेल नेचर इस पर मैंने क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पे बॉक्स वुड इस टाइप की मैंने प्लांट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो हम किसी दूसरे प्लांट को चूज़ कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अलग अलग, तो मैंने जैसे इसे सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट आपने प्लेस किया एंड यहाँ से आपने सेकंड को डिफाइन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम तरीके से आपकी ऐड हो गई है, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगी एंड मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चेंज हो गया है। देखिए अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये आपके पास आ गया, एक ऑब्जेक्ट ये आ गया है। किसी दूसरे प्लांट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट भी आपके प्लेस हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। किसी और ट्रीज को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ग्रास को सिलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर इस ग्रास को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करेंगे इसे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस। फाइनली इसका करने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें दिख जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आपको सभी प्लांट्स दिख जाएंगे जितने भी हमने ऐड किए हैं। किसी प्लांट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। एंड अगर आपको डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। नंबर ऑफ आइटम को थोड़ा डिक्रीज करेंगे हम, इतना रखेंगे एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, राइट क्लिक कर दूँगी इस तरीके से। इसी के साथ साथ आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, क्लस्टर प्लेसमेंट एंड यहाँ पे पेंट प्लेसमेंट। तो क्लस्टर प्लेसमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जहाँ पर आपको रैंडम पोजीशन के अंदर डिफाइन करने होते हैं ऑब्जेक्ट्स को। इसे थोड़ा सा मूव करते हैं, जैसे इस पोर्शन के अंदर मुझे ग्रासेस को रैंडमली डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, किसी भी ग्रास को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इस ग्रास को मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर मैंने क्लस्टर प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको येलो कलर के बॉक्सेस विजिबल होंगे। तो जहाँ पे भी आपको येलो कलर के बॉक्सेस मिल रहे हैं उन सभी पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पे जो ग्रास है वो आपको मिल जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल क्लिक के अंदर आपने अलग अलग पोजीशन में रेंडमली क्या कर दिया है, ग्रासेस को प्लेस कर दिया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट ऑप्शन आपके पास पेंट प्लेसमेंट होता है, ये हम तभी यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको एक लार्ज एरिया के अंदर किसी भी प्लांट को, ट्री को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्री एरिया देखेंगे, जैसे थोड़ा सा हमने मूव किया इस पोर्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेंट प्लेसमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आपको एक लार्ज सर्कल मिलेगा। तो आपको करना इतना है, जैसे जैसे आप प्लेस करेंगे आप कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना है माउस पे एंड आपको ड्रैग करते हुए जाना है, तो उन सभी पोर्शन के अंदर आप किस तरीके से ऐड हो जाएगी। डेंसिटी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने डेंसिटी को स्मॉल कर दिया, अगर मैं अभी प्लेस करूँगी तो पहले के कंपेरिजन में थोड़े कम प्लांट आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं एंड अगर आप अभी प्लेस करेंगे तो लार्जर एरिया के अंदर आपको यहाँ पर प्लांट्स दिखेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेम तरीके से आप यहाँ पे पीपल एंड एनिमल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें क्लोज जाएंगे वापस अपने हाउस के पास, ई को मैं प्रेस करूँगी थोड़ा सा बॉटम की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के पीपल्स मिलते हैं, जिसमें पहला आपके पास होते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं एंड सेकंड आपके पास यहाँ पर होते हैं आइडल।
तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पीपल एंड एनिमल पे, तो आपको यहाँ पे सेम तरीके से सब कैटेगरीज मिल जाती हैं। तो आपको मेन को यहाँ पे प्लेस करना है तो आप मेन 3D पे चूज़ करेंगे। इसी तरीके से वुमेन 3D है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, पेट हैं, बर्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने वुमेन 3D इसके ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने चूज़ किया सिंगल प्लेसमेंट पे। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे अगर आप क्लिक करके रखेंगे उस पर तो यहाँ पे आपको एक आइडल मिल जाएगा नेम के अंदर, एंड यहाँ पे जैसे सीटेड मिल गया है। इसी तरीके से आपको वॉक मिलता है, तो जहाँ पे भी आपको वॉक वर्ड ऐड मिला हुआ है टाइटल में, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने वुमेन अफ्रीकन इसे सिलेक्ट किया एंड मैं यहाँ पे इसे प्लेस करूँगी। प्लेस करने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी डायरेक्शन को रोटेट करना है, तो मैं आर को प्रेस करूँगी एंड मैं यहाँ पे इसके डायरेक्शन को चेंज करूँगी। सो सेम डायरेक्शन मैंने दिया दोनों ऑब्जेक्ट्स को। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट टूल पे आप जाएंगे तो आपके दो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। बाद में अगर आपको चेंज करना है डायरेक्शन को, तो आप उस पर्टिकुलर मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप रोटेशन के टूल पे जाएंगे एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा डिस्टेंस को चेंज करेंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एनिमेशन को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मूवी मोड पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह मिल जाती हैं, तो हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम न्यू मूवी को रिकॉर्ड करेंगे। क्लिक कर लेंगे आप उस पर एंड यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं इसके क्लोज जाऊँगी। जैसे यहाँ से हम एक एनिमेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऐड कैमरा की फ्रेम, इस पर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा मैंने मूव किया यहाँ पे एंड यहाँ पे मैंने सेकंड की फ्रेम को ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिप लेंथ मिल जाती है, तो वो आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। 12 सेकंड मैंने रखा, अभी आप इसको प्ले करके देख लीजिए। देन फाइनली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इफ़ेक्ट को ऐड करना होगा। तो ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एनिमेशन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा मास मूव, तो आपको सिंपली उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे हमने मास प्लेसमेंट के अंदर ऐड किया था, सेम तरीके से आपको एक पाथ को डिफाइन करना है। तो वही ऑब्जेक्ट को हम चूज़ करेंगे। फर्स्ट क्लिक मैंने किया यहाँ पर एंड देन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेकंड प्लेस करूँगी। यहाँ तक हम डिफाइन करेंगे। एंटर कर दीजिए। अगर आप अभी प्ले करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर लाए करेंगे, वो ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे मूव करेंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पे कार वगैरह के अंदर भी एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने एडिट टैब पे क्लिक किया एंड कार के अंदर मैं क्या, मुझे क्या करना है, इस एनिमेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अलग से पाथ को ऐड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऐड पाथ, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेम तरीके से फर्स्ट क्लिक आप करेंगे, थोड़ा सा मैं मूव करूँगी इसे यहाँ पर। पहले सबसे पहले बिल्ड मोड पर जाएंगे एंड यहाँ पर इस मेन को मैं रिमूव कर रही हूँ, तो डिलीट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, इसे मैंने डिलीट किया। देन मूवी मोड पे हम शिफ्ट करेंगे। आप यहाँ से सेकंड क्लिक करेंगे, बट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ओनली दो पाथ को ऐड कर सकते हैं। अगर आप और पाथ को ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कर्व है, तो हमें यहाँ पे कर्व के अंदर डिफाइन करना होगा, तो सिंपली आप कंट्रोल को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से पाथ को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। थोड़ा सा मूव करेंगे आगे की तरफ। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, बट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिल जाएंगे, पाथ वर्ड एंड कार मॉडल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया,
कि जो कार या फिर जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस पाथ के अंदर लाए करना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इसके डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा, इसकी विड्थ को मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे इंक्रीज़ कर दूंगी। इसके बाद कितना स्पीड होना चाहिए आपका कार का वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सो मैं अराउंड यहाँ पे 10 किलोमीटर चूज़ कर रही हूँ, 12 भी इनफ है, इतना रखेंगे। यहाँ पे आप इसे क्लिक कर दीजिए एंड अगर आप अभी प्ले करते हैं तो जैसे आपके यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे वैसे ही आपकी कार भी मूव करेगी। एनिमेशन के अंदर नहीं आ रही है वो, तो उसे हम चेंज करेंगे। क्लिप को एडिट क्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैक की तरफ मूव करना है। अपडेट करेंगे इसे, सेकंड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसे बैक की तरफ मूव करेंगे एंड यहाँ पे इसे अपडेट करेंगे। अभी प्ले करके देखेंगे हम। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर मूवमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ यू ऑल नो कि कैसे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने सीन के अंदर प्लेस कर सकते हैं, कैसे आप उनमें एनिमेशन को डाल सकते हैं, कैसे आप उनमें मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, लाइट को कैसे आप अपने मॉडल के अंदर ऐड करेंगे, कैसे आप उसमें डिफरेंट इम्पैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो कि 16th of March को आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज, होपफुली वी विल सी यू अगेन, गुड बाय।